कोई बात नहीं है, मैंने स्टार्ट नहीं करा हाथ पे ऑयल कर दी, मैंने अभी टैप करा बस कचोरी। इतना तेल खा के अच्छा खासा आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऋषभ ओझा ब्लॉग्स के एक और न्यू वीडियो में। और गाइज पता है कि थोड़ा सा मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों प्लान कर रहा था कि फूड ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। पर फूड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि जैसे फूड ब्लॉगिंग किया जाता है, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, तो मैं सोच रहा था कि कैसे फूड ब्लॉग करते हैं, ये सब वीडियो मैं पहले यूट्यूब पर देख ले रहा, उसके बाद प्लानिंग करूँगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पिछले सारे वीडियोस पर जितना प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं तो आप लोगों को कितना भी शुक्रिया करूँ वो तो बिल्कुल कम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। तो हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन दो लोग मुझे मिले जो कि फूड ब्लॉगिंग की दुनिया में मैं मानता हूँ कि ये सबसे घटिया लोग हैं। ये जो दो लोग हैं ये सबसे घटिया लोग हैं, और क्यों घटिया है ये आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहला बात है कि मैंने वीडियो देखना, यहीं 4-5 दिन से मैं कंटिन्यूस वीडियो देख रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि कैसे फूड ब्लॉगिंग होता है। तो मैंने देखा कि एक फूडी इनकार्नेट करके चैनल है, आप लोग देखिएगा उसके चैनल पर जाकर, मैं वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। ये बंदा क्या करता है कि ये तो आपको सबसे पहले दुनिया के जितने बेकार जगह हैं वहाँ पर लेके जाएगा, वहाँ का फूड ब्लॉगिंग दिखाएगा। अब मैंने इसका एक वीडियो देखा जिसमें कि कोको कोला दूध में मिलाकर और दिया जा रहा है और यही उसको दिखा रहा है। हाँ, बल्कि वीडियो में ये बोल रहा है कि ये आप लोग ट्राई मत करें कि हानिकारक है। तो यार तुम ऐसा चीज़ दिखाते हैं क्यों फिर पब्लिक को, जब वो हानिकारक है तो हम सब डाली जा रही है इसमें दूध के अंदर। ये देखिएगा, आप लोग देखिएगा उसके वीडियो में कि वो एक छनगनी भुजिया भंडार पर गया हुआ है और वहाँ पे उसने ये कचौड़ी और सब्जी का रिव्यू डाला है, कचौड़ी है कि लिट्टी है उसका भी इसमें रिव्यू डाला है। और इन दोनों में खासियत ये है, फूडी इनकार्नेट वाले में और ये एक और है स्ट्रीट फूड अपडेट्स करके उसके चैनल का नाम है, ये दोनों में खासियत ये है कि ये दोनों एक साथ ब्लॉगिंग करते हैं। आप लोग सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें ये दोनों एक साथ ही जहाँ भी ये लोग गए हैं एक साथ ही गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों साथ ही वीडियो बनाते हैं, लिट्टी और ये सब्जी का रिव्यू डाला है भुजिया भंडार वाले का। तो आपने देखा हो कि इसने जम जम के इसने उसका बुराई किया है, आप लोग वीडियो में देखिए। दो ब्लॉगर्स ने आधी वीडियो डाल रखी है, बड़ी तारीफ की हुई है, लंबी चौड़ी। भाई ऐसे ब्लॉगर्स को एक ही बात बोलूंगा, माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको ये खाना समझ नहीं आ रहा है इसकी आप तारीफ कर रहे हो, आप फूड ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। क्योंकि क्यों लोगों को अपनी वीडियोज दिखा के गलत जगह पर भेज रहे हो आप? इतना तेल खा के अच्छा खासा आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो भाई मैंने स्टार्ट नहीं करा, मेरे हाथ पे ऑयल कर दी थी, मैंने अभी टैप करा बस कचौड़ी पे, और ये मेरे हाथ में ऑयल है, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल है, हल्का सा और टैप करा। अंदर ये देखिए पूरा ऑयल से नहाई हुई है कचौड़ी पूरी, मतलब भर रखा है अंदर अंदर तक ऑयल भर रखा है। आप लोग देखिए ये क्या कह रहा है कि ये खाने लायक नहीं है, ये ऐसा नहीं। और फिर ये दूसरा बंदा भी, ये स्ट्रीट फूड अपडेट वाला भी यही बात कर रहा है कि ये खाने वाला नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर तुम खाने क्यों गए हो वहाँ पे? और तुमको वो मुंह नहीं लगा रहा, तुमसे वो बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए तुमसे पैसा मांग दे रहा है, तो तुम उसके वीडियो का गंदा रिव्यू करोगे? हाँ, उसको पूरे दुनिया में बदनाम करोगे कि हाँ उसका सही नहीं है, ताकि उसका कस्टमर भड़क जाए उसके यहाँ खाने। और ये देखिए ये इसने क्या करवाया है कि लास्ट में इन्होंने एक पता नहीं किसको 50 रुपया दे के पकड़ लिया है और सिखा दिया है कि हाँ मैं बोलूँगा तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं कितने दिनों से खाने आ रहा हूँ तो ये ठीक नहीं, आप लोग मत खाइए। आप लोग देखिए इससे कैसे बुलवा रहा है, ओवर एक्टिंग करवा रहा है इससे। कोलकाता की जी मैं, तो आप यहाँ पे ये क्लब कचौरी खाते हैं? जी मैं यूजुअली तो फ्राइड आइटम अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा था तो मेरे घर के आसपास ही है, तो आप खाने आए? तो मैं भी खाने आया कि ठीक है इतने पास में है खाना चाहिए। तो आपको कैसी लगी? जी पर्सनली मुझे नहीं अच्छा, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा। अब बहुत लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई आप ज्यादा दे रहे तो प्रॉब्लम, कम दे रहे तो प्रॉब्लम, बट मुझे ये लगता है ज्यादा दे रहे आप सेकंड सर्विस दे दो ना किसी को। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं खा पाया उतना, मुझे खराब लगा कि मैं वेस्ट कर, बट जब मैं फेंकने गया तो देखा वो नाला बह रहा था पूरा आलू की सब्जी से। और फिर आप लोग देखेंगे कि ये एक फलूदा वाले के यहाँ गया है, जो गोल्डमैन है उसके यहाँ गया है ये, और उनके यहाँ का भी जाके इसने वीडियो बनाया है। और उस वीडियो में क्या दिखाया है कि मतलब ये इतने सारे चीज़ डाल रहे हैं फिर भी ये खराब है, खराब लग रहा है, आप लोग मत कहिए। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए, फूडी इनकार्नेट वाले का भी आवाज़ आपको सुनाई देगा, ये कैमरे के पीछे से ये उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो सुनिए।
आई ये, क्या खिला दिया ये भाई, कोई वर्ड नहीं है, मतलब नाम का दिखा रहा है। अरे इतने सारे ब्लॉगर्स ने बोला हुआ है। तो यार देखो, कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत करो दोस्तों। मैं आप लोगों से बहुत जूनियर हूँ, मैं तो अभी नया नया चैनल बना, और आप लोग के देखिए कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों ने कितनी बड़ी फैमिली बना कर रखी है। तो क्यों यार अपने फैमिली को गंदा रिव्यू दिखाना, गंदे चीज़ बताना, हाँ, और क्यों पागल बनाना? क्या मिलता है आपको, क्या मिलेगा? थोड़ा सा तो बस पैसे कमा लोगे यार, इससे ज़्यादा तो और कुछ होगा नहीं। पर पब्लिक का तो आप लोगों ने चूतिया काट दिया ना, हाँ, और उस लिट्टी वाले को आप बताते हो कि वो खराब बना रहा है, खराब बना रहा है इसीलिए उसके दुकान पर इतना भीड़ लग रहा है, हाँ। और फिर आप बोलते हो यहाँ पे जब छोले भटूरे खाने गए हो तो यहाँ पे बोलते हो कि ये तो स्ट्रीट फूड है, इसमें इतना चलता है। आपका मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें आप ये कोलकाता के स्ट्रीट फूड में चाट का वीडियो दिखा रहे थे, तो वो हाथ से ही बंदा नहीं, ये उसका झालमुड़ी का वीडियो दिखा रहे थे, वो हाथ से बंदा आपको ऐसे ऐसे मसल के दे दिया, वो तो आपने खा लिया, उसमें बोला कि ये ऑथेंटिक रेसिपीज है, ये ऐसे ही बनती है। ऑयली है नो डाउट, बट वंचना भाई चलता है। हलवे में भी जो मीठा है वो बहुत लाइट है, ओवरऑल जो दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे वाह, और अब ये सारी चीज़ें देखिए अच्छे से मिलाई जा रही हैं, तो ट्राई करके देख लेते हैं टेस्ट कैसा है इसका। इवन तो लोग मुझे बोलेंगे बाद में कि भैया ने हाथों से बनाया फिर भी आपने खा लिया, तो ये भाई ट्रेडिशनल रेसिपी है, हाथों से ही बनती आ रही है। और अगर आप स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने निकल रहे हो तो इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा कि चीज़ें ऐसे ही खाई जाएँ। तो फिर क्यों यार दूसरे का बुराई करना, ऐसा मत करो। वीडियो यार अच्छा से अच्छा आप लोग बनाओ, ताकि आप लोग को देखकर हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी मोटिवेट होते रहें। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, और हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि यार पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना कि आप लोग समझते हो। थोड़े से पैसों के लिए किसी के इमोशन से नहीं खेला जाता है। तो मैं बहुत ही जल्दी फूड ब्लॉगिंग का भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। आप जो भी गांव के प्रसिद्ध, विभिन्न विभिन्न गांव के प्रसिद्ध खाने होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियोस में। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, और सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि इन जैसे चैनलों के वीडियोज़ को आप देखकर कृपया अपने विचार को ना बदले और ज़रूर जाएं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत से अपने खाने को बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, तो ज़रूर जाके उसका स्वाद लें। हाँ, और कभी भी इन लोगों के फालतू वीडियोस को देखकर, जैसे कोको कोला में दूध डालकर वो दे रहा है, कोको कोला यार एसिड है, एसिड में दूध डालोगे तो क्या होगा फिर उस दूध का, और वो आप प्रमोट कर रहे हो, वीडियो में दिखा रहे हो। हाँ, वहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप लोग मत लीजिए, लेकिन यार 99% आदमी नहीं जाएंगे, लेकिन 1% तो कोई ना कोई चला ही जाएगा आपके वीडियोस को देखकर। तो क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो, क्यों पब्लिक को ये सब दिखाते हो फालतू चीज़? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ऐसी जगहों पे ना जाए, ऐसे खाने ना खाए जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बाकी आप लोग समझदार हो ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ऐसे ही न्यू वीडियो आती रहेगी, और आप लोग प्यार दिखाते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे। I am a devil of my work.